दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर ब्रेकिंग हमें समझ में नहीं आ रही है। बेसिकली देखा जाए तो चार तरह की होती है। आज के वीडियो में चारों ब्रेकिंग मैं आपको बताने वाला हूं। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ब्रेकिंग तो ब्रेकिंग होती है, ब्रेक पेडल दबाना है और ब्रेक लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप ड्राइविंग करते हो तो अलग अलग तरीके की ब्रेकिंग आपको इस्तेमाल करना होती है। एज अ न्यू ड्राइवर आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आप सिर्फ गाड़ी चलाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, टेक्निक्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि ब्रेकिंग कितने तरह की होती है, कैसे उसको यूज करना होता है और कहाँ पर उसको यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रेकिंग की हम बात करें तो वो होती है नॉर्मल ब्रेकिंग। अब नॉर्मल ब्रेकिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल देख लो आप। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अभी इंडिकेटर दे दिया अपन ने, यहाँ से यू टर्न लेंगे ORBM में देखते हुए। पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल ब्रेकिंग। अब नॉर्मल ब्रेकिंग समझो, नॉर्मल ब्रेकिंग क्या होती है, जनरली जैसे कि आप चल रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो लेन में आ जाता हूँ। नॉर्मल ब्रेकिंग करना है। नॉर्मल ब्रेकिंग में क्या होता है, जैसे जनरली आप 30-40 की स्पीड पे चल रहे हो, आप ब्रेक लेकर के क्लच ले लोगे, आपकी गाड़ी ये रुक जाएगी। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है, आप क्लच लेकर के ब्रेक ले सकते हो। दोनों कंडीशन आपने समझी, पहले ब्रेक दबाया फिर क्लच दबाया। अब ये कंडीशन मैंने कब इस्तेमाल करनी है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब दूसरी तरह की ब्रेकिंग हो जाती है, ये हो जाती है पैनिक ब्रेकिंग। अब पैनिक ब्रेकिंग में क्या होता है, पैनिक ब्रेकिंग में ये सडनली सामने कुछ आ गया ऑब्जेक्ट, आपने देखा नहीं, ब्रेकर आ गया, कुछ भी चीज़ आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आप सडन ब्रेकिंग करोगे। ये वाली जो होती है ना, ये पैनिक ब्रेकिंग हो जाती है। जैसे फिर से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपको और भी जल्दी रोकना है, ये पैनिक ब्रेकिंग हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल जनरली आपको कब करना होता है, इसका इस्तेमाल जनरली आपको करना होता है भीड़ भाड़ वाले एरिया में। वो इसलिए क्योंकि भीड़ भाड़ में ही सारी चीज़ें होती है, भीड़ भाड़ में ही गलती से कोई सडन ब्रेकिंग कर देता है या अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। गड्ढा आ गया, ब्रेकर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, पैदल व्यक्ति आ गया, साइकिल आ गई, बाइक, कार, कुछ भी आ सकता है। तो सडन ब्रेकिंग का इस्तेमाल हमें तब करना होता है। अब थर्ड तरह की ब्रेकिंग क्या होती है, हाई स्पीड ब्रेकिंग। अब हाई स्पीड ब्रेकिंग भी समझ लो, नाम से ही आप समझ गए होंगे हाई स्पीड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है। जब आप हाई स्पीड में चल रहे होते हो तो उस कंडीशन में आपको ब्रेकिंग करना है, तो वो हो जाती है हाई स्पीड ब्रेकिंग। अब उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, आपको क्लच कहीं पर दबाना पड़ेगा, कहीं पर नहीं दबाना पड़ेगा, कहीं पर बार बार क्लच दबाना पड़ेगा उस कंडीशन में जब आप गियर चेंज करते हो। सपोज मैं थोड़े हाई स्पीड में चलता हूँ, 30, 40, 50, ये एक देखा जाए 60 टच हो गया, मैं हाई स्पीड में हो गया हूँ। अब यहाँ पे मेरे को हाई स्पीड में ब्रेकिंग करनी है, तो सिंपल सा ये ब्रेकिंग लिया, कोई ऑब्जेक्ट है तो आराम से साइड से यूं करके निकाल लिया। अब गियर चेंज करना है, ब्रेकिंग लेते हुए डाउनशिफ्ट, फ्लिप करा एक्सीलेटर, ये हो जाती है एक हाई स्पीड ब्रेकिंग। हाई स्पीड में आपको ब्रेक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको सडन ब्रेकिंग नहीं करना है, झटके से ब्रेक पेडल नहीं दबाना है, आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है। अब चौथे तरह की ब्रेकिंग होती है दोस्तों, वो हो जाती है अपनी इंजन ब्रेकिंग। अब इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, इंजन ब्रेकिंग जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, इंजन के थ्रू अपनी गाड़ी को रोकना। सपोज मैं अभी सेकेंड गियर में चल रहा हूँ, मेरी स्पीड चल रही है 30, ठीक है। अब मेरे को गाड़ी रोकनी है बिना ब्रेक दबाए, बिना क्लच दबाए। यहाँ पे मैं एक्सीलेटर से पैर हटा लूँगा, ये देखो मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी रुक रही है। और ज़्यादा स्लो डाउन करना है, क्लच दबा करके मैं फर्स्ट गियर लूँगा और ज़्यादा स्लो कर लूँगा। यहाँ पर झटका क्यों मारा, झटका इसलिए मारा क्योंकि इंजन के RPM मतलब कम हुए और मैं स्पीड ज़्यादा थोड़ी तेज़ थी, इंजन मेरे टायर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो ये हो जाता है अपना इंजन ब्रेकिंग, समझ रहे हो बात को। सिंपल सी चीज़ यही समझो, इंजन की जो नॉर्मल RPM की स्पीड है, अपनी गाड़ी को उस स्पीड पर इंजन खुद लेकर के आता है, तो वो हो जाती है इंजन ब्रेकिंग। वहाँ पे आपको ब्रेक पेडल दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये हमें कब इस्तेमाल करना होता है, ये हमें इस्तेमाल करना होता है पहाड़ी क्षेत्र में। जैसे कि आप चढ़ाई से उतर रहे हो उस कंडीशन में आप ब्रेक पैड्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए क्योंकि आपकी गाड़ी रोलिंग में रहती है, आपकी गाड़ी लोडेड रहती है। खाली भी रहेगी तो स्पीड में उतरेगी तो लोडेड ही कहलाएगी, क्योंकि आप उतार में आ रहे हो, आपके ब्रेकिंग को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, आपके ब्रेक पैड्स घिसा सकते हैं, ओवरहीट हो सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का ब्रेक कुछ समय के लिए फेल भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ आपकी गाड़ी के जो ब्रेक ओवरहीट हुए वो लगना बंद हो जाते हैं,
प्रेशर तो रहता है उसमें, लेकिन पूरा सॉफ्ट हो जाता है, आपकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती, आप नहीं ब्रेक लगा पाओगे। वहाँ पे आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। सपोज आप ढलान पे उतर रहे हो, 30 की स्पीड पे चल रहे हो, वहाँ पे गियर नॉर्मली आप 33rd गियर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप सेकेंड गियर में आओ, इंजन ब्रेकिंग लगेगा और ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल वे में आराम से उतरती रहे और आपके ब्रेक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये चार तरह के ब्रेकिंग्स होती हैं। इन चारों तरह की ब्रेकिंग्स को आप कब कब इस्तेमाल करोगे और कैसे इस्तेमाल करोगे मैंने आपको ये बता दिया। इसकी थोड़ी बहुत एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हिली एरिया में आप नए रहते हो तो बहुत कम ही जाते हो, लेकिन जाते भी हो तो आप पहली बार भी जाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगी। क्लच, कई लोगों को मैंने देखा है कि क्लच दबा करके गाड़ी न्यूट्रल कर लेते हैं और जान देते गाड़ी। अब ऐसे में क्या होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए आपके गाड़ी के ब्रेक्स ओवरहीट हो जाए, कुछ ही समय में 1-2 किलोमीटर आपने ब्रेक पेडल दबा के रखा है, ओवरहीट हो जाए और फेल हो जाए ब्रेक, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी कंट्रोल आपसे नहीं हो पाएगी और आप सीधे जाएंगे, समझ गए आप कहाँ। तो ऐसा ना हो इसलिए इंजन ब्रेकिंग भी ज़रूरी है। अगर वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट ज़रूर करो, मैं उसको फिर से क्लियर करूँगा। एक चीज़ हो, आप किस तरह के वीडियोज़ चाहते हो आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या चाहते हो, मतलब मैं ड्राइविंग के वीडियोस कंटिन्यू करूं या फिर कुछ और नई चीज़ लेकर के आऊं। माफ़ी चाहूँगा, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ नई चीज़ नहीं मिल पा रही, तो उनसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो और मेरे वीडियो के साथ क्या देखना चाहते हैं। या मैं ट्रेवल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, और या फिर मैं सिटी ड्राइविंग ही बताऊँ, या फिर कुछ अलग यूनिक चीज़ बताऊँ। आप मुझे आइडिया दें, उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट लेकर के आऊँगा। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में आप बोर तो नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।